नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो इस बार पे उसका फोकस है कि अगर अग्निकोण में आपका कोई बाथरूम है या कोई किचन है या कोई ऐसी चीज़ है जो अग्निकोण में नहीं रहनी चाहिए तो उसका निवारण कैसे करें। साउथ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जहाँ पे सूर्य की 7 किरणों में लाल किरण शोषित होती है और वो भोजन को स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट बनाती है। जो आपके फूड में टेस्ट आता है, जो एक पोषण आता है, वो साउथ ईस्ट की सूर्य की किरणों से आता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर किचन यहाँ पर है और खाना यहाँ बनता है और उसमें सूरज की वो लाल किरण पड़ जाती है तो एक तरह से आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है उसको बहुत एक अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो ऐसा महर्षियों ने कहा है कि अग्ने पाक सदनम, यानी कि आपका बावर्ची खाना या रसोई जो किचन है या पाकशाला है वो आपके साउथ ईस्ट में रहे, और इससे अग्नि के यहाँ रहने से परिवार में एक वार्मथ, एक आपस में भाईचारा बहुत अच्छा रहता है, कैश फ्लो भी बहुत अच्छा रहता है। अब अगर यहाँ पे किचन नहीं है तो इसका निवारण कैसे करें? तो पहले तो कोशिश करें कि अगर किचन यहाँ बन सके तो, और अगर यहाँ पर किचन नहीं बन पा रही है, गलती से अगर बेडरूम आ गया है, तो कम से कम इतना करें जो अपने बेड का जो डायरेक्शन है वो आप इस तरह से रखें कि आपका जो सर है वो आ जाए साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, और आपके जो पैर हैं वो आ जाए नॉर्थ की तरफ। तब जाकर 50% इसका निवारण हो सकता है। एक और इसका उपाय है कि गणेश जी की हरे रंग की मूर्ति आप अपने मुख्य द्वार पर लगा दें। चूँकि ये अग्नि कोण है और इसके जो प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट हैं, वो वीनस हैं, शुक्राचार्य हैं, और जो शुक्राचार्य का एक दिन पक्का किया गया है वो है फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो उस दिन आप अपना व्रत रखें। कोई फटे पुराने कपड़ों का दान ना करें, 7 कन्याओं को भोजन कराएं शुक्रवार के दिन, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। और इस दिशा के कमरे में क्रिस्टल लगा दें तो उससे भी फ़ायदा होता है। और अगर यहाँ पर बाथरूम बन भी गया है तो उसका वाटर फ्लो ऐसा रहे कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका वाटर फ्लो हो, तो उससे आप देखेंगे कि काफ़ी जो अशुभता है साउथ ईस्ट में बाथरूम होने की वो काफ़ी घट जाएगी। पर प्रथम ये कोशिश करें कि यहाँ पे किचन ही हो, किचन छोड़ के कुछ ना हो। तो ये छोटा सा लघु वीडियो था साउथ ईस्ट के दोष को निवारण करने के लिए। मेरे से जुड़े रहिए। उत्तर दिशा में अगर दोष हो तो उसका क्या निवारण होगा, कैसे उसकी रेमेडी हम करेंगे, ये मैं आपको अपने एक अलग वीडियो में कल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सो मेरे चैनल से बने रहिए, और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं, तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं 9742881188। थैंक यू फॉर वॉचिंग।